ए हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जा रहा हूँ भैया और सिंचैन को लेने के लिए अपने लॉस सैंटोस में बने हुए न्यू रेलवे स्टेशन में, जो कि भैया और सिंचैन काफी दिनों बाद यार घूमने गए थे और यार काफी दिन के लिए भी गए थे, पूरे एक महीने बाद नहीं पूरे एक साल बाद गाइस भैया और सिंचैन घूमने के बाद आ रहे हैं वापस लॉस सैंटोस में। और गाइस लॉस सैंटोस के सारे रेलवे स्टेशन पे किसी ने बॉम्ब लगा के उड़ा दिया था, जिसके बाद लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने ये काम एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया, जिन्होंने ये नया रेलवे स्टेशन बनाया है। और गाइस एक साल बाद यार यहाँ पे ट्रेन आने वाली है लॉस सैंटोस के अंदर, और यहाँ पे एवेंजर्स भी आ रखे। अरे हाँ भाई, हम भी तो हैं देखने, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अरे हाँ हल सही कहा, बहुत सारे लोग हैं। अरे यार बहुत ही लेट हो गए होगे तुम। अरे मैं तो लेट नहीं पहुंचा। ओके गाइस यार, जब तक ट्रेन आती है मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के चक्कर थोड़ा लगा लेता हूँ। गाइस यार ये नया रेलवे स्टेशन आखिरकार दिखता कैसे है? यहाँ पे सिटिंग एरिया है। और आंटी आपका भी लड़का है क्या? मेरी आंटी ने तो कुछ बोला ही नहीं। ए जो भी हो गाइस, यहाँ पे कोका कोला वगैरह ड्रिंक रखने का भी और यहाँ पे फोन करने का भी बना रखा है। ओके वैसे गाइस यार लॉस सैंटोस में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अरे हाँ सर बोलिए, क्या चाहिए? अरे मुझे ये बताओ, ट्रेन तुम ही रोकोगे ने? अरे हाँ सर, वो भी एक क्लिक पे, टेंशन वाली बात नहीं है। अरे गाइस नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब ट्रेन का ड्राइवर खुद ट्रेन को नहीं रोक सकता है। यहाँ स्टेशन में जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो कंप्यूटर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और साथ में रोक सकते हैं। ऐसा ही गाइस यार आ चुका है सिस्टम रेलवे के अंदर। ऑल को भी देखना है ट्रेन को रुकने के लिए, मेरे भी बहुत सारे दोस्त काफी दिनों बाद आने वाले हैं। अरे हाँ हम लोगों को अपने दोस्तों का ही तो इंतजार है। और गाइस किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप है, यहाँ पे सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं यार, काफी दिनों बाद लोग मिलने वाले हैं यार। ओके गाइस अपने रिश्तेदारों से हो। अरे यार यहाँ पे भी एक रास्ता था, मैंने बाइक फालतू में वहीं पार कर दी। ओके गाइस वैसे स्टेशन काफी ज्यादा बड़ा तो है। अब तो मैं लोगों को मजा चखा के रहूंगा। कितने रेलवे स्टेशन बनाओगे? सारे के सारे रेलवे स्टेशन को मैंने पहले भी डिस्ट्रॉय किया है। ये मेरी रिमोट कंट्रोल कार मजा चखा के रहेगी। अरे यार वो देखो, अरे वहां पे एक गाड़ी चल रही है, ये क्या? ये तो एक छोटी सी गाड़ी, ये किसकी रिमोट कंट्रोल गाड़ी यहाँ पे आ गई है? अबे भाई मुझे क्या पता किसके रिमोट कंट्रोल कार्ड है, गाड़ी है भाई, किसी बच्चे ने यहाँ पे छोड़ दी होगी, किसकी है भाई ये, उठा लो यहाँ से। ए वहाँ पे क्या हो गया? आखिरकार ये लोग क्यों चिल्ला रहे? ऑल को वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए, ये किसकी है मुझे दे दो लाके। अरे अरे गाइस यार यहाँ ट्रेन के पटरी पे रिमोट कंट्रोल कार कहाँ से आ गई? ये किसकी गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है? हो सकते है यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा हो। गाइस यार उसने गलती से रिमोट कंट्रोल गाड़ी को यहाँ पे गिरा दिया। एक काम करते हैं यार, ये गाड़ी टूट जाएगी अगर ट्रेन आ गई तो। मैं काम करता हूँ गाइस यार, यहाँ से इस गाड़ी को उठा के मैं ऊपर लेकर आता हूँ। अरे यार इसके अंदर से आवाज कैसे आने लग गई? अरे यार ये तो लग रहा है जैसे बम है, अरे ये तो फटने वाला है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये बम कैसे हो सकता है? अरे अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या? अरे ये तो आवाज बढ़ते जा रही है, ये क्या? रे बाप रे बाप। Moments later. ए, बाप रे, मेरी हड्डी पसली सब टूट गई। अरे स्पाइडर मैन ने सही बोला था गाइस, वो आरसी बम था गाइस, किसी ने उसे आरसी कार के अंदर बम लगा के यहाँ पे भेज दिया था। और ये क्या गाइस यार, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। अबे ये कैसे हो गया यार? ए भाई अब क्या करेंगे हम, वो ट्रेन कैसे रुकेगी? अब तो बुलेट ट्रेन आ गई, तुम लोग जल्दी उठोगे। हल्को जगा, ये बम किसने फोड़ा? अरे यार मुझे क्या पता किसने फोड़ा, लेकिन जो भी हो, अरे स्पाइडरमैन किधर है? अबे स्पाइडरमैन जल्दी उठ जा, अभी तो झाड़ी में घुसा पड़ा है। अरे यार क्या हुआ, किसी ने पटाखे फोड़ दिए क्या?
अरे पटाखे नहीं, यहाँ पे पंप फूट गया जिसकी वजह से पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पे गाइस बहुत लोगों की जान जा चुकी है क्योंकि इस बॉम्ब के चपेट में बहुत सारे लोग आ गए। और यार मैं लकी था कि मैं दूर उड़ के गिर गया जिसकी वजह से मैं बच गया। हॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो गाड़ी कैसे फट सकती है? अरे वो गाड़ी के अंदर बम था। अरे गाइस मुझे कैसे भी करके ट्रेन को रोकना पड़ेगा, ट्रेन आने वाली है। ओके गाइस, अरे ये क्या गाइस, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर पूरा का पूरा टूट गया है। अब ये ट्रेन को तो हम नहीं रोक सकते। अरे ट्रेन को कैसे रोकूं? ओए मुन्ना, ये क्या कर दिया तूने? अरे बाप रे, बचा ले। अरे भैया मैं तुम्हें बचा के रहूंगा भैया। ओए ये क्या हो गया? अरे ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है? अरे भैया ये ट्रेन अब नहीं रुकेगी क्योंकि स्टेशन ही उड़ गया है। और गाइस ये है नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन, बिना रोके नहीं रुक सकती। अरे यार गाइस, उसमें रोकने का कोई सिस्टम भी नहीं है ट्रेन के अंदर। ट्रेन को रोकने के लिए हमें एक स्टेशन चाहिए होगा। ओके गाइस, यार ये स्टेशन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टाइम से बन रहा था, नई टेक्नोलॉजी का स्टेशन। गाइस यार इसे बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, एक काम करते हैं यहाँ पे। हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे यार टोनी स्टार, मुझे लगता है, अरे बाबा मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये स्टेशन बनाने में पूरा का पूरा 2 साल लग जाएगा। बाबा मेरी बात मानो। अरे 2 साल का इंतजार नहीं, हमें तो स्टेशन 1 दिन में चाहिए था। अरे क्या बात कर रहे हो, स्टेशन बना रहे हो कि एक कमरा बना रहे हो कि हम 1 दिन में बना के दे देंगे? कम से कम मुझे 6 महीने तो लग जाएंगे स्टेशन को ठीक करने में, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर भी तो चाहिए होगा। अरे यार ये सुपर कंप्यूटर क्या है? अरे बाबा जिससे स्टेशन मतलब कि गाड़ी रुकेगी, स्टेशन नहीं सुपर कंप्यूटर भी साथ में चाहिए होता है, और तब जाके वो ट्रेन रुक सकती है, समझ गए ना? अरे यार ये स्मार्ट ट्रेन आखिरकार किसने बनाई, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। ओके गाइस, हम चल रहे पुलिस में केस करने जा रहे। आखिरकार ये किसका काम था? किसी ने बम फोड़ दिया और स्टेशन ढूंढ गया। अगर गाइस हम लॉस सैंटोस में पुलिस केस कर दे तो गाइस पुलिस वाले जल्दी पे यहाँ पे काम करवाएंगे। क्यों टोनी स्टार, सही कहा मैंने? अबे हाँ भाई बिल्कुल बात है, तुमने सही कही। चलो फटाफट से केस चलने मतलब पुलिस के पास केस करने चलते हैं और उनसे मदद मांगने की भी कोशिश करेंगे, सही है ना? अरे हाँ सही है बिल्कुल। हॉल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हॉल अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया। अरे यार यहाँ पे जैक भाई और सिंचन से नहीं मैं मिल पाया, तुम्हें यार अपने दोस्तों की पड़ी है। चलो यार फाइनली। वैसे तुम लोगों की गाड़ी नहीं क्या? अरे हॉल तो बस में आया था। अरे बस में आए थे? गाइस मेरी KTM कहाँ गई? अरे मेरी निंजा बाइक, गाइस ये क्या, मेरी निंजा बाइक यहाँ से किसने चुरा ली? अरे यार ये क्या, ये कैसा स्टेशन बना रखा है? यार ये बस खड़ी है, ये स्टेशन वालों की बस है, चलो इसी में चलते हैं। आखिरकार ये स्टेशन पे इन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जिसके बाद ही बम फट गया यहाँ पे। हाँ सही कहा तुमने, यहाँ पे तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी, लेकिन लॉस सैंटोस वाले पुलिस वाले हमेशा निकम्मे काम करते हैं। अरे यार सही कहा, लॉस सैंटोस की पुलिस यार एकदम ज्यादा आलसी है, यहाँ पे स्टेशन पे उनको काम मिला होगा तो पता नहीं कहाँ जाके चाय पी रहे होंगे। और यहाँ पे गाइस स्टेशन ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ओके गाइस कुछ भी हो, अब हमें पुलिस स्टेशन में जाके केस तो करना ही पड़ेगा ताकि ये रेलवे स्टेशन जल्दी बन सके, कम से कम 1 वीक में तो बन ही जाए। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्टेशन के पास में। हॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे यार हॉल तुम गुस्सा करना बंद करोगे? फाइनली गाइस हम स्टेशन के पास यहाँ पर आ चुके हैं। अरे यार इस बस को कहाँ पे पार करें? एक काम करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं। आखिरकार ये पुलिस अपना काम सही से कर रही होती तो वो बम ही नहीं फटता। चलो अंदर। ओके गाइस हम आ चुके अंदर। ओ सर मुझे यार एक केस करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी, बोलिए हमारा यही काम है। अरे यार मेरे को हेल्प चाहिए, हमें लॉस सैंटोस का जो नया रेलवे स्टेशन है हाईटेक रेलवे स्टेशन उसे दोबारा से बनवा दो ना जल्दी से। अरे ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसे बनवाने के लिए तो कम से कम 1 साल लग जाएगा। अरे यार 1 साल तो हमें भी पता है, तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते?
अरे पहले तो तुम अपनी आवाज नीचे करो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है और मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, समझ गए ना? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। अरे यार तू पुलिस ऑफिसर है मैं तो समझ गया, लेकिन तू कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे तुम तो बदतमीजी से बात कर रहे हो, पहले से तमीज से बात करो मेरे से। अरे यार मैं अभी से तमीज से बात कर रहा था, लेकिन तुम्हारी नल्लों की वजह से वो स्टेशन फट गया और भैया और सिंचन की गाड़ी वहाँ पे रुक नहीं पाई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे क्या बोला तूने मुझे? हाँ अब तो तू भेड़े गया, अभी तू चाहता कि मैं तुझे अरेस्ट कर लूँ, निकल जाए यहाँ से स्टेशन से बाहर, नहीं तो मैं अरेस्ट कर लूंगा तुझे। अरे यार बड़ा अरेस्ट करने वाला। ओके गाइस, यार ये पुलिस स्टेशन से कोई उम्मीद भी नहीं थी मुझे कुछ करने वाले, आ जाओ हमें अपने कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके गाइस यार अब हमें खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, पुलिस वाले हमारी कोई मदद नहीं करने वाले। अरे यार मैं क्या बता रहा हूँ यार ओगी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई तेरे घर को ही पुलिस स्टेशन नहीं अरे रेलवे स्टेशन बना देते तो कैसा रहेगा? टोनी स्टार वाकई में ऐसा हो सकता है कि मेरे घर के आगे रेलवे स्टेशन बन जाए? अरे हाँ यार टोनी स्टार के तो सारी बातें बिल्कुल आसान है, और यार मैंने बिल्कुल सही बताया, क्यों ना हम ऑगी तेरे घर के सामने मस्त रेलवे स्टेशन बनाए। ए फाइनली यार रेलवे स्टेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा? ओके गाइस रेलवे स्टेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पाथ होना चाहिए, और उसके साथ में टोनी स्टार हमें पटरी भी चाहिए होगी लोहे की। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे यार रेलवे स्टेशन बनाने में तो अभी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अरे हाँ स्पाइडरमैन ठीक है, हॉल भी मदद करेगा, हॉल भी बनाएगा रेलवे स्टेशन। ओके गाइस यार यहाँ पे ये दोनों रेडी हो चुके हैं। टोनी स्टार्क हम एक काम करते हैं कि पटरी लेने चलते हैं, वैसे कहीं हमें पटरी मिल जाए जो कि यूज में ना हो, उन पटरियों को ला के हम यहाँ पे रेलवे ट्रैक से जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे एक स्टेशन बना देंगे। हाँ सही कहा ना? अरे यार बिल्कुल सही आइडिया है ओगी, जाओ जल्दी। हाँ अरे यार जा रहा हूँ, चलो टोनी स्टार्क हम लोग जल्दी चलते हैं, और तुम लोग जल्दी से यहाँ पे काम चालू कर दो, जब तक हम आए यहाँ पे स्टेशन थोड़ा बहुत तो रेडी हो ही जाना चाहिए। हॉल एक नंबर का स्टेशन बना देगा, तुम पटरी लेकर आओ बस। अरे यार टोनी स्टार्क वैसे पटरी वगैरह कहाँ मिलेगी तुम्हें कुछ पता है क्या? मैं बताता हूँ कहाँ पे, मैंने एक जगह देखी थी रोड पे जहाँ पे कि वहाँ पे पटरी शायद से मिल सकती है। यार एक काम करो तुम गाड़ी को यहाँ से मोड़ लो, मैं बताता हूँ किधर चलना है। अच्छा ठीक है चलो यार। यहाँ पे टोनी स्टार का वो यार पता है गाइस यार पटरी कहाँ पे मिलेगी? ओके फाइनली गाइस यार टोनी स्टार तुमने दौड़ा दौड़ा के पूरा शहर घुमा दिया, लेकिन पटरी तो हमें एक भी नहीं मिली। अरे यार लगता है पटरी लोगों ने उठा ली और से कबाड़े में बेच दी, अभी क्या करूं यार मैं। अरे यार तुम्हारी वजह से गाइस यार लॉस सैंटोस के जब से हम चक्कर लगा रहे रेलवे ट्रैक के बगल में घूम रहे, हमें कहीं पे एक्स्ट्रा पटरी मिल जाए ताकि हम गाइस अपना नया रेलवे ट्रैक बना सके। ये क्या फैला रखा है रास्ते में? अरे बाप रे बाप गाड़ी ठुके इसमें। अरे ये क्या है वैसे सामने? अरे यार ये मुझे लगता है कि अरे यार बाहर आओ टोनी स्टार, ये तो पटरी है। अरे यार यहाँ पे तो पटरी पड़ी हुई है, ये पटरी कहाँ से फैली नीचे गिर गई? ए टोनी स्टार जल्दी बाहर निकले, और यहाँ पे देखो इतनी सारी पटरियाँ पड़ी हुई है। अरे हाँ यार ओगी सही कहा यार तुमने, यहाँ पे तो काफी ज्यादा पटरियाँ पड़ी है, और ऊपर की साइड में देखते हैं ऊपर पटरी पड़ी हुई है। सही कहा टोनी स्टार जल्दी से इधर आओ। यहाँ से ऊपर से पटरियाँ गिरी है। ओ भाई यहाँ पे बहुत सारी देख रहे हो ट्रैक की पटरियाँ पड़ी हुई है। एक काम करते हैं यार, ये काफी दिनों से यहाँ पे पटरियाँ रखी पड़ी हुई है, और यार ये पटरियाँ रखने के बाद आपस में जुड़ जाती हैं गाइस, यार इनको मुझे अलग करना पड़ेगा। अरे टोनी स्टार इधर आओ, इन पटरियों को अलग कैसे करें यार? अरे यार अलग करने के लिए तो हमें कम से कम एक हैमर या ड्रिल मशीन तो चाहिए होगी, ड्रिलर ले आओ या तो हैमर ले आओ, फिर मैं इन पटरियों को चुटकियों में अलग कर दूंगा। अरे ठीक है ये ड्रिल मशीन कहाँ मिलेगी यार? एक सामने शॉप नजर आ रही है, तुम यहाँ पे रुको मैं ऐसा करता हूँ ड्रिल मशीन लेकर आता हूँ। ओके गाइस यार वहाँ पे एक शॉप नजर आ रही है, शायद वहाँ पे हमें ड्रिल मशीन मिल जाए।
वैसे ड्रिल मशीन तो हार्डवेयर की शॉप में मिलेगी, लेकिन शायद से ये लोग अपना भी काम करते रहते तो इसके पास। ओ भाई ये वाली गाड़ी यार वाकई में बहुत ही तगड़ी, ए लट्टू की तरह गोल गोल घूम गई यार। आई थिंक यार यहाँ पे इस शॉपकीपर ने अपने पास ड्रिल मशीन तो रखी होगी, मैं उसकी ड्रिल मशीन उधार ले लेता हूँ। ओके गाइस यार यहाँ पे जानी जल्दी से हफ्ता निकालो नहीं तो हमारी मार पड़ेगी। अरे यार यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस? यार ये बाइक तो जानी पहचानी लग रही है, ये तो अपनी निंजा बाइक है। अरे यार तुम्हारे पास ड्रिल मशीन होगी क्या? अरे ये तो फल की दुकान है, ड्रिल मशीन मेरी पर्सनल है। वैसे तुम काम क्या है? अरे यार मुझे बस सामने वो देख रहे हो जानी, हमारे बीच पंगा नहीं लेने का, निकल यहाँ से बिल्ले नहीं तो वाइक। अरे यार ये बता तुझे ये चपड़ गंजू ये बाइक कहाँ से मिली? जानी ये बाइक हमें मिलती रहती है। अरे साहब ये चोर है चोर, इसने बाइक चुराई होगी किसी की। अरे यार मतलब कि ये बाइक मेरी है और इस गधे ने वहाँ रेलवे स्टेशन से चुरा ली थी। आखिरकार गाइस ये ले फटका। कैसा लगा? आ गया ना स्वाद। ओके गाइस यार यहाँ पे इसको मैंने एक फटका दिया और ये बाइक हमारी चुरा के यहाँ पे देख रहे हो लेके घूम रहा था। फाइनली गाइस हमें अपनी बाइक भी मिल चुकी है और यहाँ पे ड्रिल मशीन भी मिल गई है। आई थिंक ड्रिल मशीन का यूज करके यहाँ पे टोनी स्टार्क उन ट्रैक को निकाल पाए। फटाफट से चलो इसको रखते हैं। अरे भाई यार मेरी बात सुनोगी, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा भाई। इसको हल्का सा हाथ से ऐसे देख ऐसे करके मारने के बाद ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो बस थोड़ी देर के अंदर ही मैं सारी पटरियों को निकाल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अरे यार चलो ठीक है, मुझे ड्रिल मशीन की दुकान पे वहाँ पे अपना वो मिल गई बाइक यार। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बाइक यार, तुम्हारी बाइक तो निंजा मिल गई, बहुत बढ़िया बात है। हाँ सही कहा टोनी स्टार्क, जल्दी से मैं इन पटरियों को निकालना है। ए भैया और सिंचन पता नहीं गाइस कैसे होंगे यार, काफ़ी देर हो चुकी है, पूरे घंटे हो चुके यार हमें। यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन बनाना ही पड़ेगा। ओके यार चलिए टोनी स्टार हाथ चलाओ यार। अरे यार मैं कर तो रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना, मैं निकाल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ए दोस्तों मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ निकालने की। ओए सिंचन ये ट्रेन कब रुकेगी? अरे गाइस ये तो भैया की आवाज है, और ये तो वही ट्रेन है जिसमें भैया जा रहे थे। अरे रे रे गाइस यार मुझे इस ट्रेन के ऊपर जाना चाहिए। ए भाई मैं भैया को पास जा रहा हूँ। अरे इस पटरी को निकालो, कहाँ जा रहे हो अभी? अरे यार मैं जा रहा हूँ भैया से मिलने के लिए। अरे ठीक है जल्दी आना, लेट मत करना। ओके गाइस यार यहाँ पे भैया मेरे पास है मेरी निंजा बाइक, और मेरे निंजा बाइक ट्रेन से भी तेज चलेगी। गाइस यार यहाँ पे भैया से मुझे मिलना है, एक काम करूँ क्यों ना मैं इस बाइक को सीधा अंदर घुसा दूँ यार। क्या ये सीधा घुसेगी? मुझे तो लग रहा है। ओके गाइस फुल स्पीड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेन के ऊपर फंसा देते अपनी बाइक को। अरे नहीं 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 गाइस यार यहाँ पे बाइक नहीं फंस रही है। एक काम करता हूँ सीधा बाइक को यहाँ से उछाल के लेके जाऊँगा ट्रेन के ऊपर ही, ट्रेन के ऊपर पहुंचा देता हूँ। गाइस ये वाला भी आइडिया काम कर जाएगा ना। अरे ये क्या, सामने तो रास्ते खत्म हो गया और ट्रेन भी निकल गई। हाँ ये क्या, मैं तो लेट हो गया थोड़ा सा। ए ट्रेन रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। अरे ट्रेन तो निकल गई। अरे यार ये क्या गाइस यार यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो रही है। काम करता हूँ मैं फुल स्पीड से जाता हूँ। मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस ट्रेन में भैया से मिल के रहूंगा। ओके गाइस ने काम करता हूँ फटाफट से यहाँ पे फुल स्पीड के साथ में मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया। फटाफट से मुझे आगे निकलना है यहाँ से। ये आगे निकलूंगा आगे निकलूंगा आगे निकलूंगा। ओए मुन्ना ये तू है क्या? ए भैया सही कहा ये मैं हूँ। अरे यार योगी भैया ये क्या कर रहे हो? अरे बाप रे बाप। अरे गाइस ये वाला स्टंट तो बहुत ही कमाल का था, लेकिन ये क्या हो? मैं ट्रेन से अलग हो गया। ओए मुन्ना तू कर क्या रहा है? अरे भैया मैं ट्रेन पे आना चाह रहा हूँ, भैया मुझे तुमसे मिलना है। अरे तू ट्रेन पे आ रहा है कि ट्रेन के साथ रेस लगा रहा है? अरे भैया रेस नहीं लगा रहा। ओके गाइस ये वाला बहुत ही बढ़िया, कुछ ज्यादा स्पीड तेज कर दी। अरे नहीं 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 बाल बाल बचा। अरे यार योगी भैया जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? अरे यार गाइस मेरे पास यहाँ पे खाना है, मैं जल्दी से लोगों को खाना दे सकता हूँ क्या? लेकिन मुझे खाना देने के लिए बाइक के साथ ट्रेन के ऊपर पहुँचना ही पड़ेगा।
ओए मुन्ना खाना जल्दी दे, मुझे भूख लग रही है। अरे ट्रेन रोकेगा कब? अरे भैया मैं जल्दी ट्रेन स्टेशन बनाने वाला हूँ। ओके गाइस, मैं ट्रेन से भी ज्यादा आगे निकल जाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे देखता हूँ, कुछ तरकीब लगाई जाए। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ। गाइस जैसी ट्रेन आएगी फिर यहाँ से मैं बाइक की स्पीड तेज करके कूदा दूंगा। ओए मुन्ना कर क्या रहे तो? अरे भैया मैं ट्रेन पे आना चाह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? ओए अरे बाप रे, तेरे से बाइक तो चलती नहीं है, तू बड़ा स्टंट करने वाला। अरे ये क्या भैया, अभी भी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ये भैया मैं आ गया। अरे ये क्या, मैं आया और फिर चले भी गया। अरे यार क्या कर रही होगी भैया, जल्दी करो जल्दी करो। अरे यार खाइस, मुझे कैसे भी करके पहुंचना है और इस बार या ओए मुन्ना, ये तू पागलपंती कर ली, जा घर जा। अरे यार भैया मैं नहीं हार मानने वाला। ओके गाइस, मुझे लगता है ये वाला आइडिया काम नहीं कर रहा है, मैं ट्रेन पे ऐसे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये वाली ऐसे भी चंप अगर लगाता हूँ बाइक लेके शायद से पहुँच जाओ। एक काम करता हूँ गाइस, यार यहाँ पे, अरे यार वो वाली पोजीशन नहीं मिल रही मुझे। ये अरे यार नहीं हो रहा काम यहाँ पे। ओए मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, अरे घर जाओ। अरे यार भैया चुप रहोगे यहाँ पे? अरे यार होगी भैया, मुझे बचा लो, अरे मुझे बचा लो। अरे यार सिंचन कैसे बचाऊं यार, मैं ट्रेन पे तो पहले पहुंच जाऊं ना। ओके गाइस, यार यहाँ पे तो मेरे से एक भी बार चंप नहीं लग रही बढ़िया वाली। अरे यार गाइस, अब मैं क्या करूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ए दोस्तों यार, मुझे कुछ आइडिया भी समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ वाले पे भी ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ वाले से शायद से जंप में अच्छे से बूस्ट लगा के सीधा जंप करने की कोशिश करता हूँ। ये ओए मुन्ना क्या कर रहा है, ट्रेन को तोड़ने में लगा बस। अरे यार ऐसे तो काम नहीं बनने वाला गाइस, मुझे कुछ और आइडिया लगाना ही पड़ेगा। ए दोस्तों कुछ ना कुछ आइडिया, एक काम करता हूँ यार, बुलेट ट्रेन का जो डिजाइन होता है आगे से फ्लैट होता है, अगर मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा इस पट्टी के सामने ले जाऊं तो बाइक चढ़ जाएगी ऊपर क्या? अबे पागल हो गया क्या, नुमड़े मरेगा? अरे यार नहीं चढ़ पाई यार। ओके गाइस, यार यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर ये गाड़ी रुकी नहीं तो गाइस ये जाके एंड में जहाँ पे ट्रैक खत्म होगा ना, वहां पे जाके ट्रेन टकरा के फट जाएगी। मेरे को एक आइडिया आ गया, एक आइडिया गाइस, सामने एक ब्रिज नजर आ रहा है और इस ब्रिज के नीचे से ये ट्रेन जाने वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन के आने से पहले उस ब्रिज पे पहुंच जाता हूँ, ट्रैक यहीं से आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ से ट्रेन जाने वाली है। तो मेरा आइडिया कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से जंप करने वाला हूँ सीधा ट्रेन के ऊपर, शायद से आइडिया काम कर जाएगा। ये पहुंच गया फाइनली गाइस मैं ट्रेन के ऊपर। ओए मुन्ना खाना दे। अरे भैया खाना तो मेरे पॉकेट के अंदर है। भैया किधर हो तुम? ओए मैं आगे हूँ। अरे यार सिंचन तुम नीचे हो क्या? हे सिंचन, अरे यार मुझे खाना पहले दो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है अभी भैया। अरे यार सिंचन होगा इस पहले खाना देना चाहिए, लेकिन दो कैसे मैं यहाँ से? हे सिंचन मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अरे जल्दी आओ। अरे क्या तुम तो नीचे गिर गए होगे भैया? अरे यार गाइस, यार ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं नीचे गिर गया। अरे ट्रेन को रोको। अरे यार गाइस, यार ये तो बहुत ही बड़ा लफड़ा हो गया। इतने मुश्किल से मैं ट्रेन पे पहुंचा था लेकिन फिर नीचे गिर गया। यार ये वाला प्लान तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैंने खाना वहां रख दिया था। भैया सिंचन अब खाना खा लेंगे। ओके गाइस, मुझे कैसे भी करके इस ट्रेन को रोकना, इसमें बहुत सारे पैसेंजर है, मैं नहीं चाहता पैसेंजर मरे। यार बाइक उठा के ब्रिज से मुझे चलना पड़ेगा टोनी स्टार के पास में, चलो फटाफट से। फाइनली गाइस मैं बाइक लेकर आ चुका हूँ टोनी स्टार के पास में, और मुझे यार बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, यार टोनी स्टार भी मेरे ऊपर गुस्सा ही करने वाला है। ओके ओके गाइस, यार यहाँ पे कौन सी जगह थी, आई थिंक ये वाली जगह थी क्या? मुझे लगता है ये वाली जगह, हाँ ये अपना ट्रक खड़ा है। फाइनली मैं आ गया टोनी। ओ भाई क्या बात है यार। अरे यार तुमने तो बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं होगी, मैंने सारे ट्रैक को खोला और सारे ट्रैक को गाड़ी पे लोड भी कर दिया। अच्छा ठीक है गाइस, मैं काम करूँ क्या यहाँ पे?
ये जब से बेहोश पड़ा है क्या? ओके यार, एक काम करते, मैं बाइक को यहाँ छोड़ता नहीं, मैं ट्रक पे अपने इस ट्रक के ऊपर इस बाइक को भी लोड कर देते, क्यों सो टोनी स्टार्क? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा, जल्दी से इस बाइक को भी लोड कर देते फिर निकलते हैं घर। दोस्तों फाइनल में बाइक को यहाँ पे लोड कर दिया और यहाँ से हम निकलते हैं। अरे टोनी स्टार्क, अपना माता क्यों फोड़ रहे उसमें बार बार टकरा के? ये रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को इधर करने दे, इधर से आओ यार, क्या करे, चलो बैठ जाओ फटाफट से। अरे यार बैठ गया, वैसे काफी ज्यादा मेहनत लग गई। अरे यार तुम्हारे गले को क्या हो गया? तुम्हारे गले से मेहनत हो रही थी क्या? अरे नहीं, इतने चिल्लाने की वैसे थोड़ा गला बैठ गया। अरे यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन वैसे यार तुमने बहुत ही बढ़िया काम करे, यहाँ पे गाइस हमने ट्रैक ले लिया है, अब इसे हमें चलना है घर की ओर, यहाँ पे ट्रैक लगाने के लिए। और आई थिंक हल्क और स्पाइडरमैन ने कुछ ना कुछ तो रेलवे स्टेशन का काम कर ही दिया होगा। ए चलो चले मितवा, फटाफट से घर की ओर। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे काफी लंबी जर्नी के बाद। ओके गाइस यार यहाँ पे, ओके ओके ओके, गाड़ी का यार बहुत ही ज्यादा वेट बढ़ गया है, गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है क्योंकि इसमें इतने ज्यादा लोहे के ट्रैक हमने रख लिए जिसके बाद थोड़ा वजन ज्यादा हो गया है गाड़ी के ऊपर। ए भाई यार ये अपने ही घर है क्या? अरे हाँ यार ये अपना ही घर है, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा वैसे। ए टोनी स्टार्क तुम अपने गले को सही करो, देखो गाड़ी के सामने एक गोली पड़ी, वैसे खा लो तुम्हारा गला सही हो जाएगा। वाकई में गाइस यार यहाँ पे स्पाइडरमैन और हल्क ने तो अपना जादू चला दिया और यहाँ पे एक स्टेशन बना दिया, क्या बात है, ये स्टेशन तो काफी बढ़िया लग रहा है। अरे यार कैसा लगा हमारा घात का जादू? हल्क ने बहुत ज्यादा मेहनत करी इस स्टेशन को बनाने के लिए। अरे यार ये स्टेशन तो काफी बढ़िया हो गया है। हम यहाँ पे रेलवे का ट्रैक भी लेकर आ गए जिसपे रेल ट्रैक पे ट्रेन चलेगी, उसे भी तुम दोनों जल्दी से यहाँ पे सेट कर दो। हल्क तो इसको चुटकियों में सेट कर देगा क्योंकि हल्क के डोलों में बहुत पावर है। अरे हाँ सही कहा, इसलिए तो मैंने तुम दोनों को ये काम दिया है, फटाफट से तुम दोनों अपनी पावर से यूज करके इस ट्रैक को फटाफट से यहाँ पे सेट कर दो ताकि रेलवे यहाँ पे ट्रेन आ सके। टोनी स्टार्क बाहर आओ। फाइनली गाइस मेरा गला भी तो ठीक हो गया। वाकई में यार हल्क और यार स्पाइडरमैन तुम दोनों ने एवेंजर्स का नाम रोशन कर दिया, बहुत ही बढ़िया काम करा यार। लेकिन यहाँ पे एक चीज की कमी अभी भी रह रही होगी। अरे यार अब क्या रह गया, हम रेलवे ट्रैक तो ले आए ना। अरे यार मेन पार्ट जो कि ट्रेन को रोकेगा वो स्टेशन नहीं है, वो है अपना मशीन भी तो चाहिए होगा ना, सुपर कंप्यूटर। अरे वो सुपर कंप्यूटर कहाँ मिलेगा? अरे उसका मालिक कौन है जो कि रेलवे स्टेशन जिसने बनाया था नया, हॉल को क्या पता? अरे यार उसका मालिक का घर मैं जानता हूँ किधर है, वो बहुत ही बड़े किले में रहता है। अरे हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मिस्टर, अरे क्या नाम था मिस्टर करके, अरे हाँ मिस्टर रॉबिन, उन्हीं की ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, उन्होंने यार रेलवे का पूरा काम लिया था स्टेशन का। और उनकी ही वो ये बुलेट ट्रेन भी है। अरे हाँ हाँ समझ गए, चलो यार जल्दी चलते उनके घर पे और उनके घर पे पता करेंगे कि उनके पास तो सुपर कंप्यूटर हो गई ना पहले से बना हुआ एक। अरे हाँ सही कहा, इमरजेंसी के लिए तो कोई ना कोई उन्होंने जुगाड़ रखी रखा होगा। ओके गाइस ऐसा करते हैं, हम सीधा का सीधा पहुंचने वाले यहाँ पे मिस्टर रॉबिन के घर पे, जिनकी गाइस वो ट्रेन भी है और उन्होंने ही स्टेशन बनवाया था। उन्हीं का ये न्यू टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट था गाइस, हमें जल्दी से उनके घर जाके वो कंप्यूटर लाना है क्योंकि हमने अपना स्टेशन तो बना दिया है जहाँ पे यार काफी लोग यहाँ पे रुक सकते हैं और हम ट्रेन को रोक पाएंगे, लेकिन हमें चाहिए होगा सुपर कंप्यूटर जिससे यार हम उस ट्रेन को कंट्रोल कर पाए। अरे हाँ बिल्कुल सही कहोगे। अरे यार ठीक है चलो गाइस, यार उनका घर यार यही कहीं पास में होता है। ए कौन से किले के पास में? अरे नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा और आगे आगे। अरे हाँ थोड़ा और आगे, आई थिंक यार ये वाले रास्ते से मैं जाना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, चलते रहो बस सीधा। ए टोनी स्टार्क फिर से तुम्हारी गला खराब हो गया क्या? तुमने गोली खाई क्या? हाँ मैंने गोली खाई थी लेकिन आवाज फिर भी ठीक नहीं हो रही यार, क्या करूँ मैं भी। हाँ ठीक है तुम ऐसा करो, छुपी रहो। फाइनली गाइस हम इस जगह पे आ गए
इनका घर यार बहुत ही बड़ा है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा अमीर है गाइस, इसकी खुद की ट्रेन चलती है लॉस सैंटोस के अंदर और इसके खुद के स्टेशन है, तो वाकई अमीर तो हो गए ना। चलो यार तुम्हें मिस्टर रॉबिन से बात करके उस सुपर कंप्यूटर को लेकर आना ही पड़ेगा जिससे हम ट्रेन को रोक पाए। अरे हाँ सही कहा, सुपर कंप्यूटर वो ऐसे किसी को नहीं देते। अरे हाँ इसीलिए तो हमने स्टेशन बना लिया ना, क्या कि हम दिखा पा गए कि हमारे पास एक स्टेशन है इमरजेंसी के लिए और यार हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए, फिर तो हमें आराम से मिल जाएगा। हाँ सही कहा ना। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा कि, अरे उधर कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने लिया सोचा शॉर्टकट ले लूं। ओ भाई यहाँ पे तो कमांडो है। अरे सर रुकिए, कहाँ जा रहे हो सर? अरे मुझे मिस्टर रॉबिन से मिलना है। ओके गाइस यार यहाँ पे चेकिंग वेकिंग सब हो चुकी है, मम्मी रॉबिन से मिलने जाना है। ए मिस्टर रॉबिन किधर हो? ओके गाइस मिस्टर रॉबिन वो रहे। अरे यार मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी इतनी महंगी, मैंने इतने ज्यादा करोड़ों रुपए लगा के बुलेट ट्रेन बनवाई और साथ में स्टेशन भी बनवाया, लेकिन उस रेड हल के बच्चे ने सारा काम खराब कर दिया। अरे यार क्या बात कर रहे रॉबिन? अरे हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उस रेड हल के बच्चे ने मेरे सारे स्टेशन को डिस्ट्रॉय करा, अब वो धमकी दे रहा कि वो ट्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ए ये रेड हल के बच्चे ने ऐसा क्यों करा? अरे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका मकसद है ट्रेन को ही तोड़ना। अरे बस हमें एक सुपर कंप्यूटर तुमसे चाहिए था, वो मिलेगा क्या? अरे मैं दे तो दूंगा लेकिन उसका तुम करोगे क्या? अरे मैंने अपने घर पे एक स्टेशन बनाया है जिससे वहाँ पे हम ट्रेन को रोक पाएंगे। अरे वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले वो रेड हल का बच्चा पूरा पूरा ट्रेन को ही डिस्ट्रॉय करने वाला है। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ए टेंशन मत लो, हम उस रेड हल्क के बच्चे की वाट लगाएंगे। ओके गाइस वहां पे रेड हल्क नहीं, ओके गाइस वो ड्रोन, मैं यार वो आरसी वाली कार भेजी थी जिसमें बम लगा के और उसने ही पूरा स्टेशन उड़ा दिया था, ये रेड हल्क का बच्चा आज तो बचेगा नहीं, जब देखो उदम बाजी करते रहता है, नहीं छोड़ूंगा इसको। ओके गाइस हमें जल्दी से जाना है, रेड हल्क को रोकना है ताकि वो पूरी की पूरी ट्रेन को डिस्ट्रॉय ना कर दे और बम से उड़ा ना दे। उसकी लोकेशन ढूंढते हैं और वो कहाँ मिलेगा। ए फाइनली गाइस हमें रेड हल्क की लोकेशन मिल गई, वो इसी किसी एरिया में पटरी पे गाइस बम बिछा रहा होगा, हमें उसे रोकना ही पड़ेगा इससे पहले वो ट्रेन को ही बम से उड़ा दे, अगर यार बम से ट्रेन टकराएगी तो ट्रेन फट जाएगी। जिसमें भैया सिंचन और बहुत सारे गाइस बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो सारे के सारे लोग मर जाए। ओके गाइस मुझे जल्दी से इस रेड हल्के बच्चे को ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार ये नुबड़ा कौन से ट्रैक पे, ये वाले ट्रैक पे तो पूरा खाली है। ओके वो यहीं कहीं यार बॉम्ब लगा रहा है। यहाँ पे गाइस रेलवे के दो दो ट्रैक जा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, नीचे भी एक ट्रैक है, हो सकता है यार वो इस वाले ट्रैक पे बॉम्ब लगा रहा हो। एक काम करते इस वाले ट्रैक को भी चेक कर ही लेते हैं। ये हुई ना बात। ओके गाइस मुझे कुछ नजर आ रहा है वहाँ पे कुछ तो है यार, ये ट्रैक के ऊपर कुछ तो रख रखा है। ये क्या चक्कर है? अरे यार यहाँ पे तो रेड हल्क है। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या करने आ गए? रेड हल्क के मिशन में टांग अड़ाने की सोचना भी मत, नहीं तो मारूंगा। अरे यार ये रेड हल्क तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? मिस्टर रॉबिन के हो, मैं बर्बाद कर दूंगा, उन्होंने मुझे ट्रेन में बैठने नहीं दिया, अब मैं ट्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने उनके रेलवे स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे को फ्री में जो टिकट नहीं देगा मैं उसको ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब मुझे कौन रोकेगा, यहाँ पे मैंने इतने ज्यादा बॉम्ब लगा दिए हैं, अब इन बॉम्ब को कोई भी नहीं हटा सकता है, जैसी ट्रेन इस बॉम्ब से टकराएगी ट्रेन फट जाएगी। और मजा ही आ जाएगा। एवेंजर्स ये ले, तुझे तो मैं फटका दूंगा हमेशा के लिए, ये ले। अरे यार ये क्या, मैंने टोनी स्टार को बोला था कि सूट पहन के चले लेकिन टोनी स्टार नहीं माना।
आगे अपनी बर्बादी देखना है ना। मैंने सुना तेरा भाई भी इस ट्रेन में है, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू देखेगा कि कैसे ट्रेन में तेरा भाई मरने वाला है। अरे यार ये क्या, ये तो इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ए यार इसने टोनी स्टार को एक ही लात मारी, टोनी स्टार बेहोश हो गया। ओके गाइस, मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगा के इतने भारी बॉम्ब को हटाना है, और साथ में इस रेड हल्क की भी बैंड बजानी पड़ेगी यार। इतने भारी बॉम्ब को हटाने के लिए गाइस मुझे तो यार बहुत ही बड़ा ट्रक चाहिए होगा, और यार साथ में इस रेड हल्क को भी मुझे हटाना होगा यहाँ से। ओके गाइस, मैं एक काम करता हूँ, आसपास कहीं ट्रक ढूंढता हूँ, शायद से मुझे कहीं ट्रक मिल जाए। हे दोस्तों ट्रक ढूंढे। ओए बाप रे बाप, सिंचन सामने कुछ नजर आ रहा है क्या दूरबीन से? अरे यार मुझे सामने रेड हल्क नजर आ रहा है, और उसने तो टैंक पे बम लगा रखे है। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? अब मुझे लगता है हमारा गेम ओवर होने वाला है। अरे यार हमें कौन बचाएगा? अरे यार चेक भाई, अब मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी। ए मैं आ गया यहाँ पे गाइस, बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक ट्रक मिल गया यहाँ पे। ए मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर का ट्रेन आ गई, अब होगा मिशन कामयाब। ए मिशन हो गया कामयाब। ओके गाइस यार यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है। ओ नो नो नो, मुझे जल्दी से इस ट्रैक से इस बॉम्ब को हटाना होगा। यहाँ पे मैंने रेड हल्क को तो उड़ा दिया, फाली गाइस इस ट्रैक पे फटाफट से इस बॉम्ब को हटाते हैं। ओए हटा लो ये ट्रक। अरे बाप रे बाप, ए भैया ये मैं हूँ। ओए मुन्ना, हाँ तूने बाल बाल बचा लिया। ए भैया टेंशन मत लो यार, गाइस मुझे लगता है ये बॉम्ब फटने वाला होगा, क्योंकि इसको मैंने ट्रक में लोड करते टाइम थोड़ा सा रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से गाइस मुझे लगता है पंप कभी भी फट सकता है। एक काम करता हूँ, ये पंप फटे उससे पहले मुझे इसे ट्रक में से इस बॉम्ब को पानी में फेंकना होगा, ताकि गाइस यहाँ पे कम नुकसान हो। फटाफट से ये। ओके ओके गाइस, यहाँ लगता है थोड़ा बॉम्ब ठंडा हो गया, और मुझे और भी ज्यादा टाइम मिल गया निकलने का। ए जल्दी से भागता हूँ। अरे सर यहाँ पे आ जाइए सर। अरे भाग ले सर के बच्चे, यहाँ से भाग, जल्दी बम फटने वाला है, नुबड़े भाग ले टकले। ओके गाइस यार ये बम मुझे लगता है कभी भी फट जाएगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कभी भी धमाका हो जाए। ए दोस्तों मुझे जितना दूर हो सकता है भागना होगा। अरे बाप रे बाप, धमाका हो गया। ओके गाइस यार ये बम तो काफी ज्यादा डेंजर था भाई, इसका अटैक देख सकते हो कितना ज्यादा डेंजर, फटा यार पूरा का पूरा यहाँ पे तो भाई मच चुकी है। ये बाप रे बाप, ये बॉम्ब था कि क्या था? अगर बॉम्ब गाइस या ट्रेन के साथ फटता तो ट्रेन तो पता ही नहीं कहाँ जाती। ट्रेन के तो चीठड़े भी नहीं मिलते। फाइनली गाइस हमने रेड हल्क को ठिकाने लगा दिया है। अब उस रेड हल्क के बच्चे को भी बता मजा चखाता हूँ यार, छोड़ूंगा नहीं उसे भी मैं। ए फाइनली गाइस हमने रेड हल्क को तो यहाँ पे मिशन उसका फेल कर दिया, उसके सारे बॉम्ब को हमने यहाँ पे कामयाब नहीं होने दिया है। ए फाइनली। अरे यार ऑगी इधर आ यार, मेरे सर में बहुत तेज की दर्द हो रहा है यार। अरे यार उसने एक लात तुम्हें मार दी थी टोनी स्टार, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है सूट अपना लेकर आए करो ना। अरे यार उसमें गर्मी लगती है यार, इसे लेनी पहन के आया। अरे यार तो पहन के नहीं आ गए, रेड हल्क को मैंने यही गिराया था। अरे अरे ये गाइस ये भाग गया। ये नुबड़ा भाग गया। ओके चलो गाइस, हमने उसके यहाँ पे जो भी प्लान था उसका प्लान हमने कर दिया, मन सक्सेसफुल हो गया। चलो फटाफट से अब हमें सुपर कंप्यूटर लेके, वैसे उसे कॉल कर देते यार रॉबिन को कि हमने यहाँ पे बचा लिया, और वो कॉल करके जल्दी से सुपर कंप्यूटर को घर पे भेज देंगे। ओके हमें तो टाइम लगने वाला है घर जाने में। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरा गलत तो और भी खराब हो गया। अरे यार ऐसे ही तुम्हारा गला खराब हो जाएगा ना। अगली बार तुम कहीं भी चलना ना तो सूट लेके चलना। अरे सूट तो ले लेता, लेकिन बाइक पे कैसे बैठता सूट के साथ में? अरे यार ये भी लफड़ा है, तुम उड़ के आते मैं बाइक से चलता। अरे नहीं नहीं अच्छा ठीक है, जो भी है फाइनली हमारा तो मिशन कामयाब हो गया है। फटाफट से हमें यहाँ में मिस्टर रॉबिन को कॉल करके बोलना है कि वो सुपर कंप्यूटर को हम मेरे घर पे डिलीवर कर दे। ओके ए दोस्तों फाइनली यहाँ पे ट्रैक भी लग चुका है, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा रेडी हो गया,
और ये हुई ना बात हल्क और स्पाइडरमैन ने, दोनों ने गाइस यार यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करा यार। क्या स्टेशन बना यार तुम लोगों ने, मजे आ गया, दिल खुश हो गया देखकर मेरा। ये हुई ना बात यार, कैसा बढ़िया स्टेशन बना दिया। अरे यार फाइनली मैंने यहाँ पे सेटिंग भी कर दी है, ट्रेन बस आने वाली और ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर आ गया है। अरे हाँ सुपर कंप्यूटर आ गया गाइस, बस हमें वेट करना है ट्रेन के आने का। ट्रेन कभी भी आ सकती है और गाइस ट्रेन हमारे घर के सामने आएगी और ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। ए भैया 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 ट्रेन आ गई है गाइस, यार यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है। ओए मुन्ना तूने ये कैसे किया, अरे तूने घर को ही ट्रेन स्टेशन बना दिया। अरे भैया मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ शिनचैन के लिए। आर्या रोगी भैया तुमने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की, आखिरकार हमारी जान बच गई। अरे हाँ तुम मेरे असली दोस्त हो, मेरे असली भाई हो, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ यार। फाइनली गाइस यहाँ पे मिशन हो चुका है सक्सेसफुल और हमने अच्छा काम किया। हाँ